मैंने स्टार्ट किया जब मैं 10 साल का था, आई थिंक 2018 में। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। लेकिन तुम तो मेरी कोई परवाह ही नहीं करते। प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। मैं अपने फादर को देख के इंस्पायर हुआ था, ये बनाते थे कि मेरे खर्चे सिर्फ मेरा प्यो चल सकता उस्ताद, लोकां तो ता मेरा हसना भी नहीं चलिया जांदा। चंगिया दा करे साली यूज दुनिया, तन्नो हुंदा 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 नी मैं वैड हो गया। मेरी थी वायरल जो वीडियो हुई थी, इमोशनल वीडियो थी। अब मुझे साउंड याद नहीं कौन सी थी, लेकिन इमोशनल वीडियो थी, मुझे इतना पसंद। मैं ही कीता जो कीता, मैं ही आ बस बेवफा। सर देखते हैं एक लड़की आपके साथ होती है, वो कौन है? कौन सी? वो एक दो तो नहीं है ज्यादा? अच्छा, वो मेरी कजन है। कजन है आपकी? मैं हूँ तेरा तू है मेरी जान, देख मैं हूँ यहाँ, ढूंढे तू कहाँ कहाँ, पाओगे मुझे ही तुम जाओगे जहाँ जहाँ। फर्स्ट ट्राई से ही मेरी लिप सिंक हमेशा परफेक्ट रही। वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम उस्मान, छोटी एज और काम बड़े बड़े। बस यार अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तो इज्जत की कोई उम्र नहीं होती भाई। अल्लाह ताला जिस आपको उम्र बदे बस आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्या एज है आपकी? मैं 15 साल का हूँ। 15 साल के हैं। अच्छा, मुझे बताइए कब स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया जब मैं 10 साल का था, आई थिंक 2018 में। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी कैसे स्टार्ट किया? स्टार्ट देखकर आप इंस्पायर हुए? मैं अपने फादर को देख के इंस्पायर हुआ था, ये बनाते थे और मुझे देखता था, मुझे अच्छा लगता था। और मैं भी जब ये सोते थे तो इनका फ़ोन पकड़ के जो है मैं भी करता था। और जब इन्होंने एक दफ़ा मुझे देख लिया, मुझे देते नहीं थे ना बनाने, तो इन्होंने एक दफ़ा देख लिया कि भाई ये वीडियोस बना रहे हैं। इन्होंने वीडियोस देख ली तो इन्होंने देखा कि मैं जो है वो एक्ट ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ इनसे। तो फिर तब से इन्होंने मुझे, तब उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, वैसे मुझे कहते थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तब उन्होंने कहा कि ये मुझे अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तो इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। ठीक है। हाँ, कौन सी वीडियो वायरल होगी? वायरल होगी मेरी थी वायरल जो वीडियो हुई थी, इमोशनल वीडियो थी। अब मुझे साउंड याद नहीं कौन सी थी, लेकिन इमोशनल वीडियो थी, मुझे इतना पसंद। जब बंदे की पहली वीडियो वायरल हो, क्या होता है भाई? क्या था खुशी का, क्या था? नहीं वो मैं बता नहीं सकता, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती इतनी खुशी थी। बिकॉज मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल थी और जितनी वो गई थी मिलियंस में, सो मैं बहुत खुश था भाई। अक्सर देखते हैं एक लड़की आपके साथ होती है, वो कौन है? कौन सी? वो एक दो तो नहीं है ज्यादा? हाँ, वीडियो वगैरह की बहुत सारी। अच्छा जी, आप बता दीजिए। जोया राजपूत। जोया राजपूत, वो कौन है? अच्छा अच्छा, वो मेरी कजन है। कजन है आपकी? ठीक है। एक आपका तुमने आप सॉन्ग का भी आया नहीं आपका जी, उसके दो तीन अल्फाज हो जाएंगे ना इतनी ऑटो ट्यून नहीं लग रही है भाई। चलो भाई, किसकी तुझको तलाश है, जीले वो लम्हा जो पास है। नहीं ये सॉन्ग असल में इस तरह का है तो इसलिए इस पे अच्छा। इस पे ज़्यादा वो ऊंचा आवाज़ वाला नहीं है, ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो मेरी आवाज़ फट जाएगी। मैं हूँ तेरा तू है मेरी जान, देख मैं हूँ यहाँ, ढूंढे तू कहाँ कहाँ, पाओगे मुझे ही तुम जाओगे जहाँ जहाँ। अच्छा, बहुत सारे वीडियो पे आप लिपसिंग करते हैं जी जी, इधर सीखा आपने? ये लिपसिंग बस जब बंदा आहिस्ता आहिस्ता करता रहे काम, फिर बंदा सीख जाता है। मैं जब स्टार्ट में था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तब से लिपसिंग अपनी, जब से मैं स्टार्ट की मेरी एक दफ़ा भी लिपसिंग जो है आउट हुई, हमेशा फर्स्ट ट्राई से ही मेरी लिपसिंग हमेशा परफेक्ट रही। अक्सर कुड़ियां ने स्टेटस लाया होंदा कि माई फादर इज माई हीरो, साडे पता नहीं दहशत गर्द दीदी साडे भी हीरो ही आ, समझ आई? हाँ। नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में यार, मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह अपना सर्विस ज्वाइन करूंगा, एक्टिंग में जाऊंगा, और जो अपनी स्टडी है वो मैं उसको इसी तरह कंटिन्यू रखूंगा। जी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। शादी?
शादी तो यही सवाल ना करो, मनु कोई पता नहीं। अच्छा ये बताइएगा, बहुत सही आवाम देख ली था आपको, क्या मैसेज दूंगा? मैं मैसेज अगर मैं सोशल मीडिया के बारे में मैसेज दूँ कि बहुत से भाई मुझे भी मतलब कहते हैं कि हम बहुत सी मतलब वीडियोस वगैरह मेहनत करते हैं, हम वायरल नहीं हो पाते। मेरा ये कहना है कि भाई आप मेहनत करते हैं, आपको पता है अगर आप मेहनत कर रहे हैं आपका वो नहीं हो रहा, लेकिन आप मेहनत को छोड़ें मत, आप उसको जितना कर रहे हैं उससे डबल करें, उससे डबल करें, देन आपको रिजल्ट फिर आपके सामने होगी। ये फिर एक इतनी जल्दी एक बंदा कहता है ना इस तरह, ये चीज़ नहीं है। मैं 10 साल का था और आज मैं 15 साल का हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लें मैं कितनी देर स्ट्रगल की है और आज जाके यहाँ पर खड़ा हूँ। सलामकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ के पापा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आप जी, आपका बेटा इतना फेमस है, इस बारे में क्या कहेंगे? यार अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने इसको छोटी उम्र में इज़्ज़त दी है और अच्छा लगता है, लोगों का बहुत सारा प्यार इसने ग्रैब किया है और मेरी ये दुआ है कि ये और मज़ीद आगे बढ़े और तरक्की करे। जब स्टार्ट किया किसने सपोर्ट किए, किसने बातें की? यार बातें करने वालों का अगर हम लोग सोचेंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, लिहाजा जो करते हैं उन्होंने करनी है, उनको करने दें, बस आप अपने कान बुलेट के आगे निकलते जाएं। क्या इनकम है? इनकम बस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि बस बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे हमारे काम में 40,000 के करीब। टिकटॉक पे कितने हैं? 5 मिलियन। क्या मैसेज देंगे आप लास्ट प्रोग्राम? यार मैं तो जितने भी इस वक्त मेरी वीडियोस देख रहे हैं, खास तौर पर पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि यार अगर आपके बच्चों में किसी किस्म का भी टैलेंट है ना तो उसको उसी तरफ पुश करें, उसको आप रोकें ना, अगर आप उसको रोकेंगे ना तो वो आपसे छुप के भी वही करेगा, तो लिहाजा आप के लिए ये बेहतर है कि वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने करें। जैसे ये खड़ा है, इसको मैंने कभी अपनी आंखों से ओझल कुछ नहीं करने दिया। देखा आपने ताहा उस्मान किस तरह ऊपर आया, किस तरह से मेहनत की। आप भी मेहनत करें और आप भी ताहा उस्मान बढ़ सकते हैं। सर मेहरबान महरे अली को दें इजाज़त, न्यूज़ अलर्ट से।